कोई कहता है एलोपैथी बहुत बढ़िया है, कोई कहता है होम्योपैथी बहुत बढ़िया है, कोई कहता है आयुर्वेदा ना बेस्ट है। अभी जितने लोग उतनी बातें और एडवाइजेस बहुत सारी, लेकिन आपके लिए क्या ठीक है ये जानने के लिए ये पता होना बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली तीनों में फर्क क्या है, क्या डिफरेंस है और कौन सी चीज आपके लिए काम करेगी। तो क्विक सपोर्ट आज आपके लिए लेकर आया है इस वीडियो में होम्योपैथी से जुड़ी सारी जानकारियां। हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रूबी आपके साथ। तो आइए अब जानते हैं होम्योपैथी के बारे में, क्योंकि आपने इसका नाम तो जरूर सुना होगा और शायद आप ये भी जानते हो कि होम्योपैथी में कड़वी दवा की जगह मीठी मीठी गोलियां दी जाती है। इंटरेस्टिंग बात, जिनसे भी बीमारी का इलाज आसानी से हो जाता है। और बात जब बच्चों को दवा देने की हो तो होम्योपैथी की मीठी गोलियां ही दी जा सकती है, क्योंकि बच्चे एलोपैथी की कड़वी दवाएं और कैप्सूल तो लेते ही नहीं है। ऐसे में बीते कुछ टाइम में होम्योपैथी का महत्व इतना ज्यादा बढ़ा है कि हर इंसान किसी भी तरह का ट्रीटमेंट करवाने से पहले एक बार कि उसे एलोपैथी का ऑप्शन चूज करना चाहिए, आयुर्वेदा का या होम्योपैथी का। और अगर आपको भी होम्योपैथी से जुड़ी सही जानकारी मिल जाए तो आपके लिए भी सही ऑप्शन चुनना काफी आसान हो सकता है। इसीलिए आज इस वीडियो में क्विक सपोर्ट आपके लिए लेकर आया है होम्योपैथी से जुड़ी पूरी जानकारी, जिसे देखने के बाद होम्योपैथी से जुड़े सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और इस चिकित्सा पद्धति को समझना आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि होम्योपैथी क्या है और ये वर्ड कहाँ से आया। होम्योपैथी एक वैकल्पिक चिकित्सा यानी कि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है। इसका ओरिजिन भले ही वेस्टर्न वर्ल्ड में हुआ, लेकिन आज पूरी दुनिया में होम्योपैथी की दवा ली जाती है और भारत में भी इसने अपना गहरा प्रभाव जमा लिया है। इसीलिए एलोपैथी के बाद आयुर्वेदा के अलावा होम्योपैथी का नाम ही आता है और बहुत सी बीमारियों को दूर करने के लिए इसका नाम एलोपैथी से भी पहले लिया जाने लगा है, जैसे एलर्जी, एक्जिमा, अस्थमा और माइग्रेन। इसके जनक जर्मन फिजिशियन सैमुअल हैनीमैन हैं, जिन्होंने 1796 यानी कि 1796 में इस पद्धति को खोजा और इसका नाम होम्योपैथी रखा। होम्योपैथी शब्द ग्रीक वर्ड होमो और पैथी से मिलकर के बना है, जिसमें होमो का मतलब है सिमिलर और पैथी का मतलब है सफरिंग, यानी होम्योपैथी समरूपता के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें दवाएं उन बीमारियों से मिलते जुलते रोग दूर कर सकती है जिन्हें वो पैदा कर सकती है। इसी इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि होम्योपैथी का सरल अर्थ है दवा की ऐसी कम खुराक से किसी बीमारी का इलाज करना जो अगर स्वस्थ लोगों द्वारा ली जाए तो उनमें उस बीमारी के लक्षण पैदा करने में सक्षम हो। होम्योपैथी का ओरिजिन और इसका मीनिंग समझने के बाद में अब जानते हैं कि होम्योपैथी में इलाज किस तरीके से किया जाता है। होम्योपैथी में दवाओं का एक्सपेरिमेंट एनिमल्स पर नहीं किया जाता है, बल्कि डायरेक्ट इंसानों पर ही टेस्ट किया जाता है। होम्योपैथी में हर तरह की बीमारी का इलाज किया जाता है और एलोपैथी की तरह तुरंत राहत तो नहीं मिलती, लेकिन बीमारी को दबाने की बजाय जड़ से मिटाने का काम ये चिकित्सा बखूबी करती है। इसमें इलाज शुरू करने से पहले पेशेंट की पूरी हिस्ट्री पता की जाती है और उसकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल कंडीशंस को अच्छे से समझ लेने के बाद ही ट्रीटमेंट को शुरू किया जाता है, जिसमें पेशेंट क्या सोचता है, किस तरीके के सपने देखता है और उसे किन चीजों से डर लगता है, इस तरह की सारी जानकारी ली जाती है। एग्जैक्टली कभी कभी पूरी फैमिली हिस्ट्री भी जानी जाती है कि उनकी फैमिली में किस किस को कौन कौन सी डिजीज थी, किस किस तरीके का बिहेवियर था। तो ये सारी चीजें मदद करती है इस ट्रीटमेंट में। इसकी दवाओं में कुछ मात्रा में अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। होम्योपैथी में मिनिमम डोज देकर के इलाज करने की कोशिश की जाती है। इसमें दवा देने के कई तरीके होते हैं, जैसे कुछ दवाएं सूंघा करके इलाज किया जाता है, जैसे नाक में गांठ बनने जैसी प्रॉब्लम होने पर दवा को सूंघा जाता है, और किसी बीमारी में लिक्विड की लिमिटेड डोज देकर मरीज को ठीक किया जाता है, और बहुत सी बीमारियों को दूर करने के लिए लिक्विड को मीठी गोली में डुबोकर दिया जाता है ताकि दवा की लिमिटेड मात्रा आसानी से ली जा सके। अगर हम होम्योपैथी के प्रोज और कॉन्स की बात करें तो होम्योपैथी के बेनिफिट्स काफी सारे हैं, जैसे कि होम्योपैथी दवाएं सेफ होती है और इनके साइड इफेक्ट्स ना के बराबर होते हैं। इसका रीजन ये है कि इन दवाओं में कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होता, बल्कि ये दवाएं केवल शरीर के इम्यून सिस्टम को एक्टिव करने का काम करती है। इन दवाओं को लेने से इम्यूनिटी पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इन दवाओं को हर उम्र के लोगों को आसानी से दिया जा सकता है, फिर चाहे छोटे बच्चे हो या प्रेग्नेंट लेडीज या फिर सीनियर सिटीजंस। इन दवाओं से एक्यूट और क्रॉनिक दोनों तरह की डिजीज का ट्रीटमेंट किया जाता है। एक्यूट डिजीज में अचानक होने वाली बीमारियां आती है, जैसे खांसी, बुखार, और क्रॉनिक डिजीज यानी कि लंबे समय से चल रही बीमारी जैसे कि अस्थमा और टीबी। इसके अलावा एलर्जिक प्रॉब्लम्स में भी ये मेडिसिन काफी अच्छे तरीके से असर करती है। ये दवाएं ज्यादातर मीठी होती है,
इसीलिए इसे लेना बहुत ही इजी हो जाता है, खास करके बच्चों के लिए। होम्योपैथी दवाएं लेने से शरीर में इनके प्रति निर्भरता विकसित नहीं होती है, यानी हमारे शरीर को इन दवाओं की आदत नहीं पड़ती है। ये दवाएं बहुत सी एलोपैथिक दवाओं और आयुर्वेदिक इलाज के कंपैरिजन में सस्ती भी होती है। इस चिकित्सा पद्धति की खासियत ये है कि ह्यूमन बॉडी को एक यूनिट मानती है और इसी आधार पर ट्रीटमेंट करती है। इसी वजह से हमें शरीर के अलग अलग पार्ट्स का इलाज करवाने के लिए अलग अलग एक्सपर्ट्स के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि एलोपैथी में होता है। यहाँ पर बल्कि एक ही डॉक्टर हर तरह की तकलीफ का ट्रीटमेंट कर सकता है। होम्योपैथी की ये खासियत है कि इसमें बहुत सी बीमारियों के लिए अलग अलग दवा नहीं दी जाती है, बल्कि सारी बीमारियों के लिए एक ही दवा तैयार करके दी जाती है। ऐसा होने पर पेशेंट के लिए दवा लेना काफी आसान भी हो जाता है। होम्योपैथी दवाओं के इतने सारे बेनिफिट्स के बाद अगर इसके कॉन्स की बात करें तो इसमें एलोपैथी जितनी तेजी से राहत नहीं मिल पाती है। होम्योपैथी के ट्रीटमेंट्स पहले अगर पेशेंट अपने बारे में पूरी जानकारी नहीं दे, जैसे कि अपना नेचर, हैबिट्स और डिजीज हिस्ट्री, तो हो सकता है कि ट्रीटमेंट पूरी तरीके से सक्सेसफुल ना हो पाए, फिर उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगे। इस चिकित्सा पद्धति में एलोपैथी की तरह बहुत तेजी से एक्सपेरिमेंट्स नहीं हो पाते हैं, इसीलिए इसका एरिया एलोपैथी जितना वाइड नहीं है। इमरजेंसी केस जैसे कि एक्सीडेंट और हार्ट अटैक जैसे सिचुएशंस में होम्योपैथी हेल्पफुल नहीं हो सकती। इसके अलावा होम्योपैथी ट्रीटमेंट को लेकर के जो एक डाउट है उस पर बात करना बहुत जरूरी है। होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए माना जाता है कि ये इलाज बहुत स्लो होता है, जबकि ये पूरा सच नहीं है। इस ट्रीटमेंट में ज्यादा टाइम केवल उन्हीं बीमारियों को दूर करने में लगता है जो कि बहुत पुरानी हो या फिर बहुत सीरियस, वरना जुकाम, खांसी और बुखार जैसी हेल्थ प्रॉब्लम्स में होम्योपैथी मेडिसिन भी जल्दी से रिलीफ दिला देती है। होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेते टाइम क्या अवॉइड करना जरूरी है, आइए जानते हैं। पहले होम्योपैथी ट्रीटमेंट के दौरान प्याज लहसुन खाने पर मनाही हुआ करती थी, लेकिन नई रिसर्च के बाद ये रिस्ट्रिक्शन हटा दिया गया है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी अब प्याज लहसुन जैसी चीजों के लिए नई नहीं है, इसीलिए इन्हें खाने से ट्रीटमेंट पर कोई खास असर नहीं पड़ता है। फिर भी आज कुछ ट्रीटमेंट्स में इन्हें अवॉइड करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा कॉफी को अवॉइड करना जरूरी होता है, क्योंकि इसमें मौजूद कैफीन होम्योपैथी दवा के असर को कम कर देता है। इसके अलावा कुछ ट्रीटमेंट्स में परफ्यूम और डीओ लगाना भी मना होता है, क्योंकि इनकी स्मेल से दवा का असर कम हो जाता है। कई बार आपको खटाई यानी कि दही, छाछ जैसी चीजें खाने के लिए मना किया जाता है। तो कुल मिलाकर के डिपेंड करता है कि क्या डिजीज है और उसके लिए क्या एग्जैक्टली रूल्स है। आगे बात करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन बनाने में कौन है नंबर वन, तो उसमें है सबसे पहले जर्मनी का नाम। वहाँ पर बनी हुई दवाओं की क्वालिटी सबसे अच्छी मानी जाती है और समय की मांग को देखते हुए इंडिया में भी होम्योपैथी की दवाएं बनाई जाने लगी है। अगर बात हो होम्योपैथी डॉक्टर बनने की, तो इसके लिए आपको BHMS यानी कि बैचलर ऑफ होम्योपैथ मेडिसिन एंड सर्जरी की डिग्री लेनी होगी, जो 5.5 साल की होती है। इसके लिए आपके पास 12th क्लास में PCB यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट होने जरूरी है। इन सब्जेक्ट से 12th क्लास पास करने के बाद आप एंट्रेंस एग्जाम के जरिए इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। बैचलर डिग्री लेने के बाद गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होम्योपैथ डॉक्टर के तौर पर अपॉइंट होने के ऑप्शंस खुल जाते हैं। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजेस, क्लिनिक और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और आप चाहे तो प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। BHMS के बाद 3 साल के ड्यूरेशन वाला पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स MD किया जा सकता है, जिसमें पीडियाट्रिक्स, मेटीरिया मेडिका, होम्योपैथिक फिलोसफी, साइकाइट्री और फार्मेसी जैसे सब्जेक्ट्स में से किसी एक में एक्सपर्ट बनकर टीचिंग लाइन में भी अच्छे करियर ऑप्शन मिल सकते हैं। अब बात करें कॉलेजेस की, तो होम्योपैथी में करियर बनाने के लिए आप इन कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता, भारतीय विद्यापीठ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज पुणे, गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज बैंगलोर, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज फरीदकोट और बैक्सन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नोएडा। जहां तक सैलरी की बात की जाए, तो एक फ्रेशर होम्योपैथी डॉक्टर के तौर पर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में 25,000 से 30,000 की सैलरी बड़ी आसानी से मिल सकती है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में 20,000 से शुरुआत हो सकती है। इसके बाद एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ साथ सैलरी भी आसानी से बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों, होम्योपैथी से जुड़े सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल गए होंगे, और क्विक सपोर्ट को पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश जरूर पसंद आई होगी और होम्योपैथी से जुड़ी ये जानकारी समझ पाना आपके लिए काफी आसान होगा।
तो आगे भी ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेगी। लेकिन ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही ऐसी इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि कोई भी जानकारी आप कभी भी मिस ना करें। तो रखिए अपना बहुत सारा ध्यान, तो सही डिसीजन लीजिए पूरी जानकारी पाकर और इसके साथ। अभी के लिए धन्यवाद।